Namaskar, Sastriyakar, Vanakkam, and very good morning to one and all. Welcome back to our channel, that is Asquare Classes. Today we are up to very next session of your ecology and the chapter Biodiversity and Conservation. We are moved on. We have seen who gave the term biodiversity, what are the importance of biodiversity, what are the expectations of the scientist who calculated different biodiversity species. We have beautifully seen the biodiversity in India, and today we are moving on towards the very next session on the patterns of biodiversity. So give the heading as patterns of biodiversity. This patterns of biodiversity, bacha, is based on basically two things. This involves altitude and latitude. This is our altitude, this is our latitude. Accepted? Mante ho ye baat? Mante ho ki nahi? हाँ मैम, ये तो लैटिट्यूड है एंड दिस इज आवर एल्टीट्यूडनल वेरिएशन. दिस इज आवर एल्टीट्यूड, दिस इज आवर लैटिट्यूड. क्लियर? आप समझना, ये एल्टीट्यूड है, ये लैटिट्यूड है. अगर इसका जो वेरिएशन हो रहा है बच्चा, आपको मैंने इक्वेटर बताया था, विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न. आपको पता है जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, हाफ पोल्स के नजदीक जाते हो, इट कुड बी नॉर्थ पोल. अगेन अगेन यू कम डाउन, इट कुड बी साउथ पोल. फिर से वापस घुमा दोगे, सेम चीज होगी, साउथ पोल एंड ये नॉर्थ पोल. नॉर्थ एंड साउथ है, ये हमारा ईस्ट, ये हमारा वेस्ट. यहाँ पे कुछ ना कुछ डाइवर्सिटी अलग होगी, यहाँ पे कुछ ना कुछ डाइवर्सिटी अलग होगी, यहाँ पे कुछ ना कुछ अलग होगी. क्यों? क्लाइमेटिक चेंज. किस दिन के लिए पढ़ाया था? इक्वेटर, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, पोलर रीजन्स, किस दिन के लिए पढ़ाया था बच्चा? इसी दिन के लिए पढ़ाया था, ट्रॉपिकल टेम्परेट पोलर जोन्स. याद आ रहा है? अगेन यू कम दिस रीजन, ट्रॉपिकल टेम्परेट पोलर जोन्स, एंड इन्हीं दोनों मिला करके हम लोग फ्रिजिड जोन बोल रहे थे. ये दोनों एरियाज, यहाँ पे सॉइल कैसे होते हैं? फ्रोजन होते हैं. एंड देन वी गॉट द ब्यूटिफुल रीजन, ब्यूटिफुल बायोम्स, दैट इज टुंड्रा, टाइगर, अल्पाइन जोन्स. याद आया? जाओ जाके इकोसिस्टम पढ़ो, उससे भी पहले ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पढ़ लेना. क्लियर? सो मेरा कहने का मतलब है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं, या फिर जैसे जैसे हम लोग यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ इस साइड शिफ्ट हो रहे हैं, कुछ ना कुछ बायोडाइवर्सिटी चेंज होगी ऊपर कुछ ना. क्यों? यहाँ पे क्लाइमेट, यहाँ पे टेम्परेचर कम है, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है. यहाँ पे आपको पोलर बियर्स दिखेंगे, यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यूपी में आओगे यहाँ पे आपको मगरमच्छ दिखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ. वो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, वो स्नो में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं. सो एज वी मूव ऑन टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लोब, देयर इज चेंज इन बायोडाइवर्सिटी. Is it? आप लोग कहोगे yes ma'am. So we can see few patterns following in this biodiversity as we move on towards the altitude or from the latitude, from this way, from west to east or east to west, or from north to south, south to north. There is a change, or from equator towards the north, from equator towards the south, we see some kind of beautiful change in the biodiversity of not only our country beta, all over the world. समझ में आया? This is what we observe, few amount of pattern, और उसी को आज हम लोग देखने वाले हैं, that we called as patterns of biodiversity. Clear? कुछ ना कुछ patterns के form में changes होगा बेटा ये. आप equator से north pole तक जाओगे, आपको ठंडी north pole में ज्यादा मिलेगी, यहाँ पर गर्मी equator पे गर्मी ज्यादा लगेगी. यूपी ले लो बेटा, बिहार ले लो, कुछ time पे आसाम ले लो, वेस्ट बंगाल ले लो, चले जाओ बेटा कोलकाता में, कितनी गर्मी होती है. होती है ना? ऐसा ही होता है. क्लियर? ठीक है. So, अब लिखते हैं, लेट्स सी हाउ डू चेंजेस ऑकर्स एंड व्हाट आर द फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. लिखे बेटा, चलो. सो नाउ लेट्स सी पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी बेस्ड ऑन लैटिट्यूडनल एंड अल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट्स. इसके बेसिस पे, ग्रेडियंट्स मतलब डिफरेंस, लैटिट्यूड के डिफरेंस के बेसिस पे, अल्टीट्यूड के डिफरेंस के बेसिस पे, कुछ ना कुछ बायोडाइवर्सिटी जो होती है बेटा जी, वो वेरी करती है. वो क्या करती है? वो वेरी करती है. और वो देखते हैं हम, हाउ डज इट एक्चुअली वेरी. तो पहले लैटिट्यूड, और पहले लैटिट्यूड की बात करते हैं, फिर एटीट्यूड की बात करेंगे. बारिंग एरिड, और उसी को हम लोग सेमी एरिड रीजन, कल के क्लास में सेमी एरिड रीजन बताया था, उसी को बारिंग एरिड भी बोलते हैं. उसमें क्या होता है? एंड एक्वाटिक हैबिटेट्स
biodiversity shows latitudinal and altitudinal. Aquatic regions में आपको latitudinal और altitudinal दोनों variations दिखेंगे. On top of that आपको semi-arid regions में भी latitudinal and altitudinal gradients दिखेंगे और उसी को हम लोग master gradients भी कहते हैं. Clear? ये दोनों latitude और altitudinal gradient मिला करके जो difference दिख रहा है, उसी को बेटा जी हम लोग master gradients भी कहते हैं. समझ में आया? कोई doubt? Clear? And this region can be semi-arid regions, aquatic habitats, and biodiversity shows this both. There is a little biodiversity at the poles. क्यों? क्योंकि वहाँ पर अगर मैं height की बात करूँ, तो altitude पे north pole या south pole पे temperature कम होता है. Due to this lowering of temperature, plants and animals are not able to survive. Their body is not able to get adaptation towards that cold. कुछ होते हैं, but बहुत less amount में होते हैं. Clear? And it increases if temperate areas, but reaches maximum in ट्रॉपिक्स ऑफ 23 डिग्री नॉर्थ टू 23 डिग्री साउथ के डेविएशन के हिसाब से. समझ में आया? ये जो है सबसे ज्यादा आपको स्पीसीज डाइवर्सिटी जो दिखेगी वो ट्रॉपिकल जोन या फिर ट्रॉपिकल एरिया में दिखेगी. और वो कितने डेविएशन से दिखेगी बच्चा? फ्रॉम द इक्वेटर टू 23 डिग्री नॉर्थ टू 23 डिग्री साउथ. यही मैंने आपको ट्रॉपिकल जोन बताया था. याद करिए इक्वेटर, याद करिए इकोसिस्टम. ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा एक्सिस है और मैंने आपको ये चीज क्लियरली बता दिया था. अर्थ की एक्सिस जो होती है वो 23 डिग्री हाफ टुवर्ड्स नॉर्थ से थोड़ी टिल्टेड होती है. याद आया? एंड देन ऑन वी गेंट और कैलकुलेटेड 66.5, देन अगेन कम्स 23.5 एंड देन जीरो. याद आ रहा है कुछ? फ्रॉम 90. क्लियर हुआ बच्चा? याद करिए पिछला क्लास, याद आ जाएगा. मैंने पढ़ाई है सेपरेटली, मैंने पढ़ाई है. ठीक है? सो 23.5, 66.5, 23.5. इट इंक्रीजेस इन टेम्परेट एरियाज बट रीचेस. देखिए सबसे कम आपको पोल्स पे दिखेगा, फिर उसके बाद टेम्परेट जोन्स पे दिखेगा, बट मैक्सिमम यू विल गेट एट ट्रॉपिकल. व्हाई दिस इज हैपन? बिकॉज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नॉट ओनली इट हैज, लिखना, फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन. नॉट ओनली इट हैज फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस, बट इट ऑल्सो प्रोवाइड्स स्पेसिएशन एबिलिटी. स्पेसिएशन के साथ साथ उसकी एनवायरमेंटल कंडीशंस भी फेवर करती है. एंड व्हाट इज दिस स्पेसिएशन? फॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज. जब भी दिस स्पीसीज एग्जिस्ट दिस फॉर्म, उनका वहां पे सर्वाइवल होता है. एंड दैट सर्वाइवल कैन बी इजिली नोटिस्ड वेयर? इट कैन बी नोटिस्ड इन द ट्रॉपिकल रीजन. इट कैन बी नोटिस्ड इन द ट्रॉपिकल रीजन. एंड बट ऑल्सो फॉर सपोर्टिंग वराइटी एंड नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म. जितने स्पीसीज हैं उनके लिए तो परफेक्ट एनवायरमेंटल कंडीशन है, बट जो नए स्पीसीज हैं और या नए न्यू बॉर्न्स हैं या फिर न्यूली एक्सिस स्पीसीज हैं, उनकी स्पीसीज के लिए भी वो क्या होता है? सपोर्टिंग वराइटी. वो सपोर्ट करता है वराइटी ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स. कौन बेटा? ट्रॉपिक, या फिर ट्रॉपिकल बोल दो या फिर उसको ट्रॉपिक्स बोल दो. क्लियर? क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए. मास्टर ग्रेडियंट पूछा तो भूलना मत. लोएस्ट बायोडाइवर्सिटी एट दी पोल्स, हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी एट दी ट्रॉपिक, मॉडरेट एट दी टेम्परेट जोन. क्लियर? और वो भी कितना एंगुलेशन से? 23 डिग्री नॉर्थ टू 23 डिग्री साउथ. अगर ये नॉर्थ का ले रहे हो तो 23 डिग्री साउथ का भी ले लो. क्लियर हुआ बेटा? मैं इसको इसलिए हटा रही हूँ क्योंकि आई हैव टॉट दिस एंड आई नो माई किड्स विल नो. जिनको एनआर मैम ने पढ़ाया उनसे तो ये बनी जाएगा. खैर अब सोचो, अब से फिर से ट्रॉपिक पढ़ाना हमने कब का पढ़ के छोड़ दिया है बेटा? बहुत पहले ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में ही वी कंप्लीटेड डिसॉल्व बच्चों वाला टॉपिक, ताकि हमसे उसमें भी क्वेश्चन ना रुके, हमसे इससे रिलेटेड इकोसिस्टम में ना रुके. एंड बायोडाइवर्सिटी तो चल ही रहा है. So that this is what NR ma'am and this is what A square is. Clear? So come, let's see what happens actually. You know, temperate zone में harsh climate तो हो जाता है. Harsh मतलब temperate zone में वैसे organisms होते हैं जिनको एक stable, इनको एक specific temperature में रहने की आदत होती है बच्चा. वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में रहते हैं. उनकी एबिलिटी कैसी होती है कि वो उतने ही टेम्परेचर में अडेप्ट करके रह सकें. बट जब भी ठंडियों का सीजन आता है, जब भी पोल्स के पास में है ना बेटा 66.5, आर दे नियरर टू द पोल्स, तो क्या उनको ठंडी महसूस होगी? तो हाँ बेटा जी, इनको हार्श कंडीशन मिलता है ड्यूरिंग दी
cold season. During the cold season, they get the climate as hard. Harsh hota hai, unko acceptance nahi hota ki itni thandi hai. But wahin pe agar aap log Arctic pe chale jao, poles pe, to aapko bahut harsh condition pure saal bhar nazar aayega. Clear? Pure saal bhar aapko itna harsh condition nazar aayega. Maximum species on the earth is found or maximum diversity occurs in the Amazon. And rain, Amazon rainforest is richest. बहुत ही बड़ा है वो हब है स्पीसीज का डाइवर्सिटी का एंड वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इट इज अप्रोक्स 4000 स्पीसीज ऑफ प्लांट 3000 ऑफ फिशेस 1300 बर्ड्स 427 मैमल्स 427 एम्फीबियंस 378 रेप्टाइल्स एंड मोर देन 125,000 इनवर्टिब्रेट्स बेटा ये सारे पता ही आपको नंबर नहीं है बेटा ये इतने टाइप्स ऑफ स्पीसीज हैं नंबर ऑफ स्पीसीज मतलब ह्यूमन बींग्स इतने सारे ह्यूमन बींग्स है बट ह्यूमन बींग्स इज वन स्पीसीज ऐसा डिफरेंट स्पीसीज अवेलेबल है तो 4000 प्लांट्स के लिए 3000 फिशेस के लिए 1300 बर्ड्स के लिए 378 रेप्टाइल्स के लिए 427 मैमल्स के लिए है एंड 427 आर ऑल्सो फॉर एम्फीबियंस सो अगर आपसे कोई पूछे कि एम्फी कौन सी दो स्पीसीज जो होती हैं बच्चा वो सेम होती हैं नियरली तो आप लोग क्या कहोगे मैमल्स एंड एम्फीबियंस का जो स्पीसीज का जो कॉन्सेप्ट होता है वो सेम होता है क्लियर एंड दूसरी चीज देर आर ऑल्सो 125,000 इनवर्टिब्रेट्स द रेन फॉरेस्ट में हैव 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीसीज येट टू बी डिस्कवर्ड और उनके नाम भी अभी तक नहीं पता अभी तक द अमेजोन रेन फॉरेस्ट में 2 मिलियन स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स हमें पता ही नहीं है और उनका नाम तो हम जानते ही नहीं है क्लियर सो नेक्स्ट फ्यू पॉइंट्स यू नो व्हाट देयर इज आल्सो वेरिएशन इन पोल्स जब भी हम पोल्स पे जाते हैं तो फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स टेम्परेचर डिक्रीजेस जब आप पोल्स इक्वेटर से पोल्स पे जा रहे हो तो बेटा आपका टेम्परेचर कैसा हो गया टेम्परेचर लो हो जाता है एंड जब भी आप 1000 मीटर बेटा पर 1000 मीटर पे 6.5 डिग्री टेम्परेचर कम होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है ऑन 1000 मीटर पर क्रॉस किया यानी 1 किलोमीटर पे पोल्स बढ़ते समय 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटता है राइट फ्यू 2-3 पॉइंट्स अबाउट एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड्स पे कैसे टेम्परेचर वैरी होता है यही पॉइंट मैं आपको लिखवा देती हूँ कि मूविंग ऑन फ्रॉम 1000 मीटर 6.5 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर डिक्रीजेस राइट इट डाउन सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट इन पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो चेंजेस विद चेंज इन एल्टीट्यूड मैंने आपको बताया एल्टीट्यूड आप इक्वेटर से पोल्स पे जाते हो तो फिर क्या होता है बेटा डाइवर्सिटी चेंज होती है टेम्परेचर कम होता है बताया था बेस्ड ऑन टेम्परेचर जितना टेम्परेचर की अडेप्टिबिलिटी होती है उसी हिसाब से ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे एक्सेप्टेड एज वन मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर एल्टीट्यूड एंड वही चीज़ इंक्रीज हो जाती है जब आप हायर से लोअर एल्टीट्यूड का आते हो यानी आप पोल से जब इक्वेटर पे आते हो और ये किसकी बात हो रही है बायोडाइवर्सिटी एंड ये क्यों होता है क्योंकि टेम्परेचर ऐसा ही वेरियंट दिखाता है When you go from equator towards the pole, temperature decreases and biodiversity also decreases. When you come from poles to the equator, temperature increases and biodiversity also increases. This is what the point says. Decrease in temperature and greater seasonal variability are the two major factors responsible for lower diversity at higher altitude. सेम पॉइंट जो मैंने आपको बताया बस लिख लो क्यों क्योंकि जब आप क्वेश्चंस में ये सारे पॉइंट या फिर ये सारे स्टेटमेंट्स पढ़ते हो तो ऐसा लगे ना कि कहीं कुछ लिखा नहीं है कुछ सुना नहीं है बेटा आज मैं बोल के चली जाती हूँ ठीक है लेकिन जो मैं लिखवाती हूँ वो आपके नोट्स हैं एग्जाम के 10 दिन पहले बैठ के आप ये चीज़ रिवाइज करोगे मेरे लिए 1-1 घंटे का लेक्चर्स नहीं देखोगे सो दिस इज वॉट आई वॉन्टेड दिस इज वॉट आई मेक श्योर मैं जो भी बोलूँ वो आप लिख के ले लो क्योंकि बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल इशूज ऐसा चैप्टर है बेटा जो आप ज़्यादातर लिख के शॉर्ट नोट्स बना करके छोटे छोटे नोट्स क्विज नोट्स बना करके इससे आप अच्छे से पढ़ सकते हो दैट इज वाई गिना चुना तो नोट्स है ज्यादा नोट्स भी नहीं है हार्डली हमने कितना पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में 6-7 पॉइंट्स पढ़ा होगा ज्यादा से ज्यादा 9 पॉइंट्स पढ़े होंगे एग्जाम से पहले 9 पॉइंट्स पढ़ना ईजी है या फिर 1 घंटे की पढ़ाई ईजी है आई थिंक 9 पॉइंट्स पढ़ना ईजी है इट इज द रीजन कि मैं आपको क्यों बार बार बोलती हूँ और जो चीज मैंने बोला है वही मैं लिखवा देती हूँ सी डिक्री मैंने अभी आपको बोला यहाँ पे टेम्परेचर क्योंकि टेम्परेचर वेरी करता है सेम चीज डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड ग्रेटर सीजनल वेरिएबिलिटी न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं हो पाई एनसीईआरटी की एनसीईआरटी का लाइन तो है हमारे पास
NCERT के नोट्स हैं हमारे पास. समझ में आया? दिस इज द रीजन ऑफ इम्पोर्टेंस विच आई गेव यू, विच आई मेक यू टू राइट. Another important thing is, again, a 1000 meter increase in altitude results in nearly 6.5 degree Celsius. बताया था मैंने अभी इसके थोड़ी देर पहले ही बताया था. सेम चीज लिखवाई है, लिख लो. अगर आप 1000 meter तक ऊपर जाते हो तो आपको 6.5 degree Celsius का temperature decrease मिलता है. Clear? नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए बेटा, फ्रेश में पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज ओवर. पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी वाज एक्चुअली बेस्ड ऑन लैटिट्यूड एंड अल्टीट्यूड. नेक्स्ट फ्रेश में हेडिंग डालिए आप लोग, स्पीसीज एंड एरिया रिलेशनशिप. क्या डालोगे? एरिया और स्पीसीज के बीच का क्या रिलेशन है वो डालना. सो डालना बेटा स्पीसीज एंड एरिया रिलेशनशिप गिवन बाय वॉन हैम्बोल्ट. चलो सो नेक्स्ट हेडिंग लिखना बेटा, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप. लिख लिया? चलो, व्हाट इज द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप? छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चंस पूछे हैं इसलिए बोल रहे हो. स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप का एक कॉन्सेप्ट कहता है, गिवन बाय अ नेचुरलिस्ट और ज्योग्राफिस्ट, कि उसने ये चीज कही थी कि एरिया बढ़ाने से, अगर आप लोग एरिया बढ़ाते हो तो स्पीसीज की रिचनेस भी बढ़ती है. समझ में आया? जैसे जैसे एरिया बढ़ाओगे वैसे वैसे स्पीसीज बढ़ेंगे, उनकी रिचनेस बढ़ेगी, बट एक टू सर्टेन लिमिट. एंड इट वॉज वेरी फेमसली गिवन बाय अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट. ये वो इंसान था जिसने स्पीसीज रिलेशनशिप विद एरिया, स्पीसीज एंड एरिया रिलेशनशिप बेटा जी दी थी. लेट सी हाउ विच इक्वेशन डज इट ही टॉक्स अबाउट एंड क्या ग्राफ उसने दिया था. सो लिखना बेटा, तो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप इट वॉज वेरी फेमसली गिवन बाय अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट. आपको ये नाम आपको क्वेश्चन में दिखेगा. अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ही गेव द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीसीज एंड एरिया. ही सेड प्रपोज दैट स्पीसीज रिचनेस इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग एरिया बट अप टू अ सर्टेन लिमिट. एक लिमिट तक ही एरिया इंक्रीजमेंट इंक्रीज हुआ तो स्पीसीज इंक्रीज होगी. क्लियर? एक्सेप्टेड? चलो. एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया गिव्स अ हाइपरबोला फॉर अ वाइड वराइटी ऑफ टैक्सा या फिर वाइड वराइटी ऑफ टैक्सोनॉमी. ये इक्वेशन उसने दी थी, वेर एस इज इक्वल्स टू सी ए रेज टू पावर जेड. एंड नाउ वॉट इज दिस एस, वॉट इज दिस सी, वॉट इज दिस ए, वॉट इज दिस जेड? हैव अ जस्ट अ मिनट. ओके, इसमें इसको बट ये कब? जब हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा, जब हम लोग लेंगे किसका रिलेशनशिप? स्पीसीज और एरिया का. बट वही अगर हम लॉगरिदम स्केल के उसका रिलेशन लेंगे बेटा, लॉगरिदम लॉग लगाने के बाद लॉगरिदम स्केल का जो रिलेशन आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा. कैसे? इस इक्वेशन को लॉग लगा दे, क्या हो जाएगा? लॉग एस. आप लोगों को अगर पता होगा तो ए इंटू बी इज चेंज इंटू लॉग ए बी. ये फॉर्मूला है, ये आइडेंटिटी है लॉग की बेटा. तो लॉग सी तो वैसा ही रहेगा, ये जो जेड है वो आगे आ जाएगा, वो इंटरसेप्ट हो जाएगा. तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से, कैन यू सी? लॉग एस इज इक्वल्स टू लॉग सी प्लस जेड इंटू लॉग ए. एंड कैन यू सी द इक्वेशन वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी? कैन यू सी दिस इक्वेशन? ये हमारा y है, ये हमारा c है, ये हमारा mx है. क्या इस फॉर्म में इक्वेशन रिप्रेजेंट हो रही है बेटा? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस c के फॉर्म में हो रही है. देन हाउ कुड बी? ये क्या है? ऑन लॉगरिदम ये कैसा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ये? आप लोग कहोगे यस मैम, आप तो मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हो, स्ट्रेट लाइन. सो ऑन लॉगरिदम स्केल, ऑन लॉगरिदम logarithm scale, the relation appears to be straight line. Relation appears to be straight line. किसका relationship बेटा? Species और area का relationship की बात हो रही है. Appears to be straight line. लिखवा लो, करवा ले, solve ये देखो. C A Z. Similarly अगर इसके लिए बात करो, यहां पे क्या होगा बेटा? स्पीसीज, यहां पे क्या होगा? एरिया. रिदम स्केल, ये जो रिलेशंस अपीयर हुआ वो स्ट्रेट लाइन अपीयर हुआ.
जिसमें से बेटा ये इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y क्या था हमारा log s, m क्या था z, x क्या था log a एंड c क्या था log c. कैन यू सी दैट दिस वॉज द इक्वेशन गिवन बाय अलेक्जेंडर वॉन हैम्बोल्ट. यस, तो वो जो अपीयर हुई वो कैसी अपीयर हुई बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. कैन यू सी द हाइपरबोला. बट वहीं पे अगर इस इक्वेशन का बेटा जी हम लोग ग्राफ ले ले, लॉग लगा के ग्राफ ले ले, तो वो एक स्ट्रेट लाइन अपीयर हुआ. एंड दिस इज द इक्वेशन विच आई एम शोइंग यू. स्ट्रेट लाइन है ये बेटा, ये इक्वेशन, ये ग्राफ की बात कर रही हूँ मैं, ये स्ट्रेट लाइन की बात कर रही हूँ. एंड इट इज रिलेशनशिप ऑफ एरिया विथ रिलेशनशिप ऑफ स्पीसीज रिचनेस. तो इस इक्वेशन में अगर मैं एस की बात करूँ बेटा तो वो स्पीसीज रिचनेस है, ए की बात करूँ तो वो एरिया है, जेड की बात करूँ तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट या फिर उसको स्लोप ऑफ लाइन. कैन यू कंपेयर दिस वाई एक्सिस, एम क्या था बेटा, किसी भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में एम क्या होता है बेटा, स्लोप. याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है बेटा जी, मैथ्स थोड़ा तो बचपन का याद कर लो, ठीक है. चलो, सो एम इज स्लोप, जेड लॉग ए प्लस लॉग सी, क्लियर. एंड दिस इज व्हाट वी रिप्रेजेंट. और उसी को हम लोग स्लोप ऑफ लाइन भी कहते हैं या फिर जेड को रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं. एंड सी स्टैंड्स फॉर वाई इंटरसेप्ट. ऑब्वियसली बेटा वाई, इसको हम लोग वाई इंटरसेप्ट कहते थे. दिस इज व्हाट इट इज, क्लियर. समझ में आया. This is what equation, the beautiful equation which was given by species area relationship. It was none other than Alexander von Humboldt. He gave the equation S species richness is directly proportional to area ka size. Jitna zyada area, utna zyada richness, but a certain limit tak. Aapko pata hai, aapko mujhse ek sawal puchna chahiye, ma'am, ye jo Z hai, उसकी वैल्यू कितनी होगी. एक सर्टेन पीरियड तक जो z की वैल्यू होती है बेटा, वो z की वैल्यू होती है 0.1 to 0.2. कितनी होती है बेटा लिख लेना, ये मैं डिक्टेट कर देती हूँ, ठीक है. द वैल्यू ऑफ z लाइज बिटवीन 0.1 to 0.2, अप टू अ सर्टेन लिमिट इट ऑल्सो चेंजेस टू 0.6 to 1.2 वैल्यू ऑफ z फॉर वेरी लार्ज एरिया. फॉर वेरी लार्ज एरिया, बहुत ज्यादा लार्ज एरिया के लिए ये जो z है बेटा 0.6 और 1.2 तक रेंज करता है. व्हेन द एरिया इज वेरी वेरी लार्ज और इररिस्पेक्टिव, वैसा एक्सेप्शनल. ये एक्सेप्शनल केस है. नॉर्मली यूजुअली लिख लो, यूजुअली द वैल्यू ऑफ z रेंजेस फ्रॉम 0.1 to 0.2. एंड व्हाट इज दिस z कॉल्ड एज, रिग्रेशन कोएफिशिएंट. इट इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज स्लोप ऑफ द लाइन, गिवन बाय वॉन हैम्बोल्ट अलेक्जेंडर. क्लियर, दिस इज द वैल्यू ऑफ z. नाउ गिव द वेरी शॉर्ट फ्यू लाइनर्स, वन लाइनर्स अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम, और वी आर गोइंग टू सी इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम. व्हाट वी आर गोइंग टू सी, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम. क्लियर, सो हेडिंग डाल दीजिए बेटा जी, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम. मिटा दो, चलो. व्हाट इज दिस इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी इन ऑफ इन इकोसिस्टम, क्या होता है बेटा ये स्पीसीज डाइवर्सिटी इकोसिस्टम को कैसे मेंटेन करते हैं. द वेरी फर्स्ट पॉइंट इन स्पीसीज डाइवर्सिटी ट्राइज टू मेंटेन, दैट इज इट गिव्स ऑफ इकोसिस्टम स्टेबिलिटी. इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, इट कंट्रोल्स स्पीसीज डाइवर्सिटी. लिखना बेटा जी, स्पीसीज डाइवर्सिटी स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम. स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम, जितना ज्यादा डाइवर्सिटी, जितना ज्यादा डाइवर्सिटी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी. एक इकोसिस्टम में जितनी ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी हो वो उतना स्टेबल होता है. क्यों स्टेबल होता है, एन नंबर ऑफ स्पीसीज, एलियन स्पीसीज, एलियन स्पीसीज कुडंट अटैक, couldn't get established. ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब मैम अब ये एलियन स्पीसीज क्या है, एलियन स्पीसीज वैसा स्पीसीज है जिस स्पीसीज के एडमिनिस्ट्रेशन पे वो सराउंडिंग की स्पीसीज को खत्म कर देते हैं या फिर वो सराउंडिंग के स्पीसीज को एक्सटिंक्ट बना देते हैं. सबसे अच्छा एग्जांपल है क्रोकोडाइल. अगर क्रोकोडाइल को यहाँ ह्यूमन बींग के में सांस छोड़ दिया तो वो ह्यूमन बींग्स को खाने लगेंगे ना बहुत ज्यादा हो तो, बट वो एलियन है क्या, हाँ वो किस एटमोसफियर में, किस एनवायरमेंट में प्रेजेंट है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा जी, उसी को तो हम लोग कहते हैं एलियन स्पीसीज. समझ में आया, क्लियर द कॉन्सेप्ट.
सो अगर बहुत ज्यादा स्पीसीज है, एन नंबर ऑफ स्पीसीज है, तो एलियन स्पीसीज का एस्टेब्लिशमेंट नहीं होता एंड दे टेंड टू गेट डैमेज्ड एंड दे टेंड टू गेट वैनिश्ड. सो यही होता है क्या, एलियन स्पीसीज का एक्सटेंशन और फिर वो स्टेबिलिटी बरकरार रहती है. क्लियर हुआ, समझ में आया? एंड गेट एस्टेब्लिश्ड एंड दे कैन नॉट डिस्ट्रक्ट अदर इकोसिस्टम स्पीसीज, डिस्ट्रक्ट अदर इकोसिस्टम स्पीसीज. मानते हो ये बात? अगर वो बहुत ज्यादा है तो एलियन स्पीसीज का एस्टेब्लिशमेंट नहीं होगा और वो दूसरे स्पीसीज को डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते. दूसरी चीज, एन नंबर ऑफ स्पीसीज, एन नंबर ऑफ स्पीसीज इट कैन ऑल्सो विथस्टैंड towards environmental stress, मानते हो ये बात? ये लोग environmental stress को भी withstand कर देते हैं. कौन? N number of species, जैसे कि natural calamities, earthquake, ये वो हुआ, तो कुछ सारे species इनके आने के बाद extinct नहीं होते, वो खत्म नहीं हो जाते. क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा species है, तो ecosystem की सब species खत्म नहीं होती, वो maintained होती है. Clear? So this is the reason what it happens, ecosystem stability which is given by speciation or N number of species. Clear? समझ में आया? कोई doubt? Next heading डालना इसी का. फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंस क्या है? इकोसिस्टम स्टेबिलिटी. दूसरी चीज है प्रोडक्टिविटी भी वैरी करती है. मिटा दो इसको. चलो, लो बायोडाइवर्सिटी लोअर इज द प्रोडक्शन, लोअर इज द प्रोडक्शन. बायोडाइवर्सिटी जितनी कम, लो बायोडाइवर्सिटी लोअर इज द प्रोडक्शन. प्रोडक्शन उतनी ही ज्यादा, उतनी ही कम, सॉरी, जितनी बायोडाइवर्सिटी कम होगी उतनी ही प्रोडक्शन. एग्जाम्पल दे दूं, पोल्स पे जाओ, वहां पे प्रोडक्शन भी कम, ना प्लांट्स उगते हैं ना कुछ उगते हैं, आप लोग रहोगे कैसे? एंटार्क्टिका में जाके रह लोगे? बेचारे पेंगुइन्स वगैरह कैसे रहते हैं उनको ही पता है, ठीक है? सो लो बायोडाइवर्सिटी लोअर इज द प्रोडक्शन. हाई बायोडाइवर्सिटी, बेटा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हाई इज द प्रोडक्शन. क्लियर? समझ में आया? जितनी बायोडाइवर्सिटी ज्यादा, ट्रॉपिक्स पे ले लो, इतनी बायोडाइवर्सिटी, उनका प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है. बड़े बड़े ट्रीज, जंगल्स आपको कहां दिखते हैं? यहीं पे दिखते हैं. सो दिस इज व्हाट सेज, हायर बायोडाइवर्सिटी, हाई इज द प्रोडक्शन. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी इन इकोसिस्टम इज इकोसिस्टम हेल्थ. हाउ इट इज मेंटेन्ड बच्चा, किसी को पता है? प्लीज कमेंट करना, ठीक है? लाइक करते वरते हो या सब भूल जाते हो मुझे? हाँ, सिर्फ पढ़ते वक्त ही याद होती है एनआर मैम. समझना, व्हाट इज इकोसिस्टम हेल्थ? इकोसिस्टम हेल्थ इज दिस बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स वेरियस चेक्स इन मेंटेनेंस ऑफ पॉजिटिव कंट्रोल्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक. ये जो डाइवर्सिटी है वो इकोसिस्टम के वेरियस पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक को मेंटेन करने में हेल्प करती है, ताकि वो एनवायरमेंट कैसा हो, या तो बहुत ज्यादा नेगेटिव ना हो या बहुत ज्यादा पॉजिटिव ना हो, उस पर जो असर हो उनका, जो इकोसिस्टम का नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो हमेशा इक्वल हो, मेंटेन्ड हो. इक्वल होने से अच्छा बेटा मेंटेन्ड हो. क्लियर? दे शुड बी मेंटेन. सो दिस बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइडेड चेक्स एंड बैलेंसेस टू द इकोसिस्टम फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्पीसीज, फॉर द स्पेसिएशन एंड फॉर द न्यू वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. क्लियर? एज वेल एज फीडबैक मैकेनिज्म्स एंड इट ऑल्सो एड फॉर द क्रिटिकल लिंक्स एंड कीटोन स्पीसीज. ये इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करती है. क्रिटिकल लिंक स्पीसीज, कीटोन स्पीसीज, शायद मैंने आपको फर्स्ट डे ही पढ़ा दिया था. आई नीड टू रिपीट दिस ऑल थिंग्स. क्रिटिकल लिंक स्पीसीज आर दो स्पीसीज which have been acting as a link between two different species. Ketone species is shorter in number and influences great. जिनको जिनको पता है जल्दी जल्दी कमेंट करो, लाइव बॉक्स में आओ, फटाक से आओ और बताओ. आपको मैं एक और पॉइंट लिखवा दूं, लिखना बेटा, all species are interlinked. All species are interlinked with. All species are interlinked with some relation. कुछ ना कुछ उनके बीच में डिफरेंट स्पीसीज में रिलेशनशिप्स होता है, और वो कैसे होते हैं बेटा? इंटरलिंक्ड होते हैं एक दूसरे से. उनकी जो रिलेशनशिप होती है वो इट इज म्यूचुअलिज्म, कमेंसालिज्म, अमेंसालिज्म, प्रेप्रेडेशन. याद आ रहा है कुछ? मैम, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन तो गया, बायोडाइवर्सिटी तो बचा लो बेटा, ठीक है? चलो,
So what it is? Interlinked with some relationships called all the species. And this is what was the importance of species diversity, ya fir aap isko biodiversity bhi likh lena, in ecosystem. Samajh mein aaya? That's all for today. Thank you very much. Do watch the session and please complete the session. And please like it if you like the video. Please subscribe it. Please do share. If somebody likes it, start sharing the video. It is a kind, a gentle request from you people. Thank you very much. Thank you. And like the channel. Subscribe the channel and like it. That's all. Have a good evening.